This call is now being recorded. मैच पंचायत क्षेत्र नहीं सुना उठन पंचायत चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है ना। ओके ओके सर। ओके सर ठीक है यहाँ भी थोड़ा वेट कर लेते क्योंकि 18 स्टूडेंट आ गए हैं। ये लग रहा थोड़ा सा वेट कर लेते ताकि स्टूडेंट्स 25 तक आ जाते फिर क्लास लेते हैं ठीक है। ओके सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर।
कर लेते हैं ना, इतने बच्चे आएंगे, इससे ज्यादा बच्चे आएंगे नहीं। ठीक है, हेलो, ओके सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नो सर, नो सर। सर अब स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर अब दिख रहा है। दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, यस सर, हेलो, सब दिख रहा है ना? यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। स्टार्ट करें हम? स्टार्ट करें हम? यस सर। देखो हमें क्या करना है आज, हमें आज पढ़ने हैं डायमेंशन एनालिसिस का, हमें रिवीजन करना है क्योंकि हमें कल एग्जाम है, तो इसलिए हमने आज ये क्लास रखा है, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आज, हम सारे टॉपिक्स जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हम क्वेश्चन आते हैं नीट में या कल के एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, उन पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमें होमवर्क दिए हुए क्वेश्चन थे वो। ठीक है, ओके ओके ओके। यस, तो पहला जो टॉपिक पढ़ा था हमने, हमने पहले ही पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, जरा बताओ। ये होगी फिजिकल क्वांटिटी, हम यही भी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती है अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड बाय व्हिच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन, यानी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं या जिसकी मदद से हम फिजिकल हैपनिंग्स या फिजिकल सिचुएशंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे एक गाड़ी है, ये चल रही है, ठीक है ना, या एक बॉक्स है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, ठीक, दूसरी गाड़ी भी चल रही है, अब आपको बोलना है कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है, आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे काम? ठीक है, आप क्या काम करोगे, आप इसकी भी स्पीड मेजर करोगे और इसकी भी स्पीड मेजर करोगे, इसकी स्पीड कम होगी वो स्लो चल रही होगी, तो दैट मीन जो यहाँ पे स्लो, जो हमने यहाँ पे स्पीड लिया है वो क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसी फिजिकल क्वांटिटी की वजह से हम क्या करते हैं, हमने ये जो हमारे पास ये सिचुएशन एक थी उसको हमने एक्सप्लेन किया है ना। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर। तो फिजिकल क्वांटिटीज की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, जरा बताओ फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल। लेंथ है, मास है, टाइम, मास, टाइम, ल्यूमिनेसेंस, डेंसिटी, मोल ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, टाइम, और डेरिवेटिव भी बोलो ना, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और टेम्परेचर हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, वेलोसिटी, स्पीड, प्रेशर है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और मोमेंटम हो गया, बहुत सारी डेरिवेटिव क्वांटिटीज है। हां गुड, अब जो हम फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें कंप्लीटली रिप्रेजेंट के लिए दो चीजें चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक रेफरेंस होता है, ठीक है ना। ये नंबर होता है या ये क्या होता है? ये एक रेफरेंस होता है ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस, जिसके कंपेयर में हमने इसको मेजर किया एक फिजिकल क्वांटिटी को। तो अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर हमें लिखना है, हम क्या लिखते हैं? Q is equal to N into U, where N is the magnitude and U is a unit we use it, है ना? है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. तो हमने पढ़ा था नोट एक कि अगर N चेंज हो रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने N चेंज किया, then U भी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी यू है, वो बराबर है एन वन यू वन। इसका मतलब हो गया जब मैंने यूनिट यू वन इस्तेमाल किया एज ए यूनिट, तो मैग्नीट्यूड आया एन वन। अब अगर मैं इसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करूंगा दूसरे एक यूनिट से, तो मुझे आएगा मैग्नीट्यूड एन टू। यूनिट था दूसरा, एक कोई दूसरा यूनिट यू टू, तो मुझे क्या है? एन वन होगा बराबर एन वन यू वन होगा बराबर एन टू यू टू, ठीक है? यस सर। गुड। यस सर। ये आपको याद है ना? यस सर। ठीक है, अब क्या पढ़ा था हमने? और दूसरा एक और टॉपिक, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वालिटीज, है ना? जरा बता, पहला फिजिकल क्वालिटी क्या पढ़ा था हमने? स्केलर। स्केलर स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? ओनली मैग्नीट्यूड सर, जिसकी मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, बट नो डायरेक्शन। इस तरह दूसरा क्या पढ़ा था हमने? वेक्टर क्वांटिटी, है ना, जिसमें डायरेक्शन भी हो, है ना? यस सर, दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी हो, एज वेल एज क्या करेगा? फॉलो क्या करेगा? फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉ, गुड। और क्या पढ़ा था हमने? ये दो पढ़ी थी, है ना? और पढ़ा था हमने रेशियो। यस सर, रेशियो पढ़ा था। रेशियो क्या होता है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का, जब हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज व्हेन वी डिवाइड सिमिलर क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल अगर देखेंगे हम स्ट्रेन, वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। जब हम इनको डिवाइड किया, स्ट्रेन आ गई एक नई फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या है? इसका कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस है ना? यस सर। सबको याद है क्या है ये? यस सर। और क्या पढ़ा था हमने? और कौन सी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? हां, फिजिकल क्वांटिटी एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जरा बताओ सर। इसमें हमारी 7 क्वांटिटीज आते हैं जिनसे मिलके डिराइव्ड बनता है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। गुड गुड गुड, यानी वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट है, और इन्हीं क्वांटिटीज की मदद से हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, है ना? यस सर। यस सर। इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज है हमारे पास फंडामेंटल? कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास? 7। जरा बता कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस 3, 4, 7। गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है मास है, लेंथ है, टाइम है, टेंपरेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या होता है ऐसा यूनिट, नेम ऑफ यूनिट का क्या होता है मास का? शाबाश। किलोग्राम। लेंथ का कौन सा? मीटर होता है। टाइम का सेकंड होता है ना? चलो। यस सर।
गुड गुड। और हमारे पास दो एक क्वांटिटीज होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बता सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन क्वांटिटीज होती है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन हां सॉलिड एंगल। गुड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, क्या होती है? डायमेंशनलेस फंडामेंटल क्वांटिटीज। हां डायमेंशनलेस फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। गुड। इनमें से कौन कौन से थे जरा बता एग्जाम कौन कौन किस किस की है? सर आपकी आवाज एक तो दूसरा प्लान कौन सा था जो प्लान पे था? अब आ रही है? यस सर। हेलो आ रही है? यस सर अब आ रही है आपकी आवाज। यस सर। गुड गुड। तो प्लेन एंगल का जो एंगल यूनिट होता है वो कौन सा होता है? रेडियन है ना। सॉलिड एंगल का क्या कौन सा एंगल होता है यूनिट होता है? रेडियन। और प्लेन एंगल किसके बराबर होता है? आर बाय रेडियस। रेडियस। गुड। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस, क्योंकि आर भी होती है लेंथ, रेडियस भी होती है लेंथ, है ना? यस सर। गुड। तो बता सकता है कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? शाबाश, रेज हैंड करो, रेज हैंड करो। सलोनी जरा बताओ क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज? सर डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है जो कि एक नए यूनिट बनाते हैं, नए फॉर्मूलेस बना देते हैं। गुड। डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटी जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक नई क्वांटिटी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ओके। अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन सी है? इनमें से एरिया है, एरिया किसका बना होता होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी हम जब दो बार लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है। इस तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम जब हम लेंथ को तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मल्टीप्लाई हाइट, वो तीनों लेंथ होती है तो बन जाता है वॉल्यूम, है ना, है कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर। गुड। इस तरह अगर हमारे पास फोर्स है, फोर्स किसके बना, किसका बना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ, जब हम मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स निकलता है, इस तरह अगर हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम डिवाइड करते हैं तो एक क्वांटिटी बनेगी, ये जो कहां से डिराइव किया हमने, कहां से बनाई हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई है, है ना? यस सर। है कि नहीं? यस सर। गुड गुड। इस तरह हमने बोला फंडामेंटल डिराइव यूनिट्स, आपको पता ही है ना फंडामेंटल यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, है ना? यस सर। सर स्क्रीन चली गई। आवाज आ रही है मेरी? सर स्क्रीन चली गई। यस सर स्क्रीन चली गई। आ गई। चलो ठीक है। अब क्या हमारे पास है?
तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तीन यूनिट्स है ना। कौन कौन सा सिस्टम है? एक तो एम के एस सिस्टम है, दूसरा सी जी एस सिस्टम है, तीसरा एफ पी एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम यूनिट है जिसमें मीटर की लेंथ का यूनिट है, के जी मास का यूनिट है, वो सेकंड टाइम है ना। सी जी एस सिस्टम कौन सा सिस्टम है जरा बता, एड्रेस करके बता, एड्रेस इसको नाम बोलोगे वही बताएगा। सर सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम होती है और टाइम की यूनिट सेकंड। और लेंथ की? लेंथ की सेंटीमीटर। अच्छा एफपीएस सिस्टम कौन सा होता है? हैंड रेजर के समय नाम बोलूंगा वही बताएगा। मोहम्मद आफताब सर जो हम लेंथ लेते हैं वो हम पाउंड में लेते हैं एफपीएस सिस्टम में, और जो मास होता है नहीं जो लेंथ होता है वो फुट में लेते हैं हम, आई एम सॉरी, और जो मास होता है वो पाउंड में लेते हैं, और जो टाइम होता है वो तो कॉमन रहता है वो हम सेकंड में लेते हैं। ये होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक है ठीक। अच्छा आलिया से भी, आलिया हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है आपकी आवाज? तो ये आलिया अलीशा ये क्यों, ये क्यों ये रिप्लाई नहीं कर रहे? अंशुल मंशिका मीनाक्षी मीनाक्षी कटारिया जरा बताओ ऐसा सिस्टम क्या होता है? मीनाक्षी ऐसा सिस्टम कौन सा होता है? हेलो यस सर। मीनाक्षी यस सर ऐसा सिस्टम क्या होता है जरा बताओ? ऐसा सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो क्वांटिटी दी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, टेंपरेचर है, करंट इलेक्ट्रिक करंट है, बस ये एमपीए सिस्टम का ही एक्सटेंडेड सिस्टम है। ठीक है अब जो है ये एसआई प्रीफिक्सेस, ठीक है ना, ये एसआई प्रीफिक्सेस। इसमें क्या है कोई वर्ड है यानी ई एक्स ए, अगर एक्सा किसी जगह लिखा होगा तो इसका मतलब हो गया उस यूनिट को हमने टेरेस पर एटी मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्साग्राम, ठीक है एक्साग्राम लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ग्राम को क्या करना है सर? स्क्रीन नहीं दिख रही और वॉइस लैग हो रही है। हाँ सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है।
हेलो यस सर हेलो यस सर आवाज आ रही है आप? सर अभी भी आपकी वॉइस थोड़ी बहुत ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है सर। सर क्लियर है हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है? यस सर स्क्रीन दिख रहा है? यस सर स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर जरा क्वेश्चन करो। फाइव न्यूटन इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। शाबाश। के बाद जो क्वेश्चन करेगा उसका नाम आएगा। अभी भी आवाज आ रही है खराब? आवाज आ रही है? हेलो यस सर यस सर जी, शाबाश शाबाश करो। ये चलो पूर्वा ने कर दिया ये, ठीक है पूर्वा। ये मैंने दिखाया है कैसे करना है। देखो फाइव न्यूटन है, ये बराबर है फाइव मल्टीप्लाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे इसको इसका नाम होता है टाइम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन इज पावर फाइव टाइम। ओके हेलो ओके सर यस सर आगे बढ़े। यस सर नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है डायमेंशनल एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? मैंने पहले बोला कि अगर हम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखे, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखे, जो पावर फंडामेंटल क्वांटिटीज को चढ़ाना है उस डिराइव्ड क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, उस डिराइव को एक्सप्रेस करने के लिए, उस डिराइव को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैं बोलूंगा आपको वेलोसिटी है, ठीक है? वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना? तो अगर आप इसको लिखोगे आप इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ, है ना? टाइम तो टाइम ही रहता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई विद टाइम इनवर्स वन, है ना? यस सर बताओ, लिख सकता हूँ? तो ये जो मैंने लिखा, मैंने क्या किया जरा बता, मैंने क्या किया? मैंने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इस जो ये पावर चढ़ाने पड़े मुझे, यहाँ पे क्या हो रहा वन, यहाँ पे क्या रहा माइनस वन, दीज आर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अगर मैं बोलूंगा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हाँ अलोंग इन एल इज वन एंड इन टाइम इज माइनस वन, ठीक है ना? यस सर यस सर
और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ब्रैकेट में एल वन टी माइनस, है ना? Yes. है कि नहीं? Yes, sir. Good. और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है? एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस जरा बता क्या क्या है, पहली बता पहली क्या है? शाबाश, पहले सर मैं फिजिकल क्वांटिटी की, शाबाश एक सिस्टम हिमांशी मोहन अक्तव एंड पूर्वा मीनाक्षी सलोनी कुमारी, बाकी क्यों हाथ नहीं कर खड़ा कर रहे, बाकी को समझ में नहीं आ रहा? सर आगे समझ में, आलिया सेफी जरा आलिया आप बता क्या है प्यारा डायमेंशन एनालिसिस, कौन सा ये एप्लीकेशन है प्यारा, किस काम आता है हमें ये डायमेंशन लिखना? शाबाश सर, जैसे हमें हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट के, जैसे एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एसआई वाला हो गया, हम उसे डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके अपने जो गिवन सिस्टम है उसको हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। हाँ, जरूरी नहीं है ऐसा, किसी भी सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ सीजीएस को एमकेएस में करना है या एसआई में करना है, कोई भी सिस्टम दिया होगा वहां से आपको करना है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना? बोलो दूसरा क्या है, जरा बताओ दूसरा क्या है? लवकेश आप बताओ, लवकुश रावत, सवाल बेटा जल्दी। यस सर, ये बताते हैं कि डायमेंशन इनका करेक्ट है कि गलत है? हाँ, तो डायमेंशन एनालिसिस से हमें क्या पता है, हमें एक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये कैसे हम चेक करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल, है ना? होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? यस सर, होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ई डी, ये मतलब है तो डायमेंशन ऑफ ए जो है वो होने के बराबर डायमेंशन ऑफ बी, वो होंगे बराबर डायमेंशन ऑफ सी, और वो होंगे बराबर डायमेंशन ऑफ ई मल्टीप्लाई विद डी, ना इन दोनों के मिला के जो डायमेंशन आएंगे वो इन सारे बराबर होंगे, या डायमेंशन ऑफ एल एच एस होने चाहिए, वो डायमेंशन ऑफ आर एच एस होने चाहिए, ठीक है ना? यही बोलता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, यस सर, ओके सर, गुड। जरा थोड़ा एप्लीकेशन क्या है इसका, मुझे कौन बताएगा इसका? एलेक्स, एलेक्स तुम बताओ थर्ड एप्लीकेशन क्या है? वेल एलेक्स, अच्छा अलीशा आप बताओ, अच्छा लव आप बताओ। सर ये कहता है कि अगर कोई भी नई डिराइव्ड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी अगर बनती भी है तो उसे रिसर्च मतलब एक टेस्ट करने के लिए एक काम में आता है। यह हमें लगता है कि अगर हमें कोई भी क्वांटिटी है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वांटिटी ए है, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि ये डिपेंड करती है बी पे और ये डिपेंड करती है सी पे, ठीक है, बट ये जो बी एंड डी पे डिपेंड करती है, बी एंड सी पे, तो वो बी एंड सी जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है, बट क्या पावर से ये हमें पता नहीं है। आपको समझ में आया? यानी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, हमें पता है, हमने पढ़ा है, इट डिपेंड्स ऑन द वी, इट डिपेंड्स ऑन द सी, ठीक है, और जो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो मल्टीप्लीकेशन में है या डिविजन में, बट हमें ये नहीं पता कि ये बी स्क्वायर पे डिपेंड करती है, बी क्यूब पे डिपेंड करती है, या अंडर रूट बी पे करना या बी फाइव पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, क्या पावर है उसका, वो निकालने के लिए, वो इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस्तेमाल होता है, ठीक है? ओके, यस सर, ओके सर, बताइए समझ? ओके सर, ओके, चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इस क्वेश्चन को बोलेगा इसका बस 1 मिनट है, 1 मिनट मुझे देखना है कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जो सबसे पहले बोलेगा उसका नाम आ जाएगा चैट बॉक्स में, सर ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं है आपको लिखना है ना, सलोनी कुमारी ने लिखा। ठीक है बोल रहा है कि हैव सेम डायमेंशन, इनमें से किसकी सेम डायमेंशन है, किसके फोर्स एंड पावर क्या है, जरा फोर्स किसी बराबर होता है, फोर्स होता है एम वन एल वन टी माइनस टू है ना। यस पावर की क्या डायमेंशन है, पावर की क्या डायमेंशन है, पावर किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम है ना। यस सर क्या आएगा, ये आएगा एम वन एल टी मशीन। अब टॉर्क एंड पावर, टॉर्क किसके बराबर होता है, वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है ना, तो इसको आएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। पावर का तो ऊपर लिखा हुआ है तो ये भी नहीं है, सी भी नहीं है। डी क्या है, अब डी है टॉर्क वो तो लिखा है, एंड एनर्जी, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होता है, होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वो आएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, दैट मीन्स टॉर्क एंड वर्क का सेम है, यानी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी किसने दिया था सबसे पहले, पहले मैं देख लेता हूँ, सलोनी सलोनी पूर्वा ने दिया है सबसे पहले, तो पूर्वा आंसर है, शाबाश पूर्वा, ग्रेट। अब देखा कैसे कर रहा है, यस सर सबको आया समझ, यस सर। अब बताओ, अब बताइए, अब जरा ये बताओ ये कैसे कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, जरा देखो पहले देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पी इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर एम माइनस फाइव जी माइनस टू, यानी पी दिया हुआ है बराबर ई वन एल टू एम माइनस फाइव जी माइनस टू, और हमें पता है ई क्या है, ई है एनर्जी है ना, लिखा हुआ ना ई इज एनर्जी, एम इज मास, एल इज एंगुलर मोमेंटम, जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जरा बताओ ई है एनर्जी, जरा एनर्जी की डायमेंशन क्या है, एम वन एल टू टी माइनस टू है ना, ऊपर निकाला था ना अभी, शाबाश, यस सर शाबाश। इस तरह जरा बताओ मास की डायमेंशन क्या है, एम एम वन है ना, एल जीरो टी माइनस टी जीरो। अब एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, जरा बताओ, हाँ एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, जरा बताओ, शाबाश 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 जल्दी, एल टी माइनस सर एम वी आर एंगल मोमेंट की डायमेंशन क्या है, जरा बताओ, एम वन एल टू टी माइनस टी माइनस वन। अब आया समझिए, अब ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट के डायमेंशन क्या है, शाबाश, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, शाबाश। तो ये चारों के डायमेंशन पता है हमें, है ना, है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है जो पी है ये डिपेंड कर रहा है इन चारों पे, कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो ई के रेज पावर वन है, एल रेज पावर टू है, एम रेज पावर माइनस वन है, एल जी रेज पावर माइनस टू है। अब बताओ डायमेंशन ऑफ पी क्या है, पी के डायमेंशन क्या है, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे कराया, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, बोलना है डायमेंशन ऑफ पी क्या है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, जरा देखो, देखो पी इज इक्वल टू ई के डायमेंशन क्या है, एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी
क्यूब माइनस टू रेज पावर वन, मास एम रेज पावर माइनस फाइव है, तो एम वन रेज पावर माइनस फाइव है। इस तरह एल है, एल रेज पावर टू है, एल के डायमेंशन क्या है, एम वन एल टू टी माइनस वन, तो एम वन एल टू टी माइनस वन इसका रेज पावर स्क्वायर है ना। जी का है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, रेज पावर क्या है, रेज पावर है माइनस टू, है ना, माइनस टू। सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। देखो तो अगर हम पूरे एम के टर्म्स एक साथ देखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा एम वन मल्टीप्लाइड वन तो एम वन ही रहेगा, यहाँ पे आएगा एम वन मल्टीप्लाइड माइनस फाइव तो माइनस फाइव बन जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा एम वन मल्टीप्लाइड टू तो ये आएगा प्लस टू, है ना, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखूंगा मैं? यस सर। यहाँ पे आएगा माइनस वन माइनस टू तो बन जाएगा प्लस टू ऐसे, ओके। अब एल का रहेगा, यहाँ पे एल टू है रेज पावर वन है तो एल टू ही रहेगा, यहाँ पे एल तो है ही नहीं छोड़, यहाँ पे एल टू मल्टीप्लाई टू यानी प्लस फोर आ जाएगा एल का, यहाँ पे एल थ्री रेज पावर माइनस टू तो आएगा माइनस सिक्स, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब टी रह गया, टी रेज पावर माइनस टू है, लिखो माइनस टू, यहाँ पे तो टी है नहीं, यहाँ पे टी है, माइनस वन मल्टीप्लाई टू तो माइनस टू ही आएगा, अब माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू तो माइनस प्लस फोर बन जाएगा, है ना? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइव माइनस फाइव, ये बन जाएगा एल सिक्स माइनस सिक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन जाएगा फोर माइनस फोर, तो ये बन जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्वेश्चन तो यहाँ पे देखा आप, ऑप्शन सी, सर ऑप्शन सी। अब आया सब क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। यस सर। पूर्वा ने इसका भी आंसर दिया है, नाइस गुड। जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर, इसके अब मैं तीन मिनट देता हूँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जो आंसर देगा वो मुझे बताएगा उसने कैसे आंसर निकाला है। सर स्मॉल टी भी कुछ है क्या या टाइम ही है? स्मॉल टी टाइम ही है, सर क्वेश्चन दिखाना, दिख नहीं रहा सर। यस सर क्वेश्चन दिखा दो।
सर यहाँ पे स्मॉल टी क्या है? टाइम स्मॉल टी टाइम है सर ऑप्शन नंबर डी सर ऑप्शन बी यानी आप बोल रहे हो पहले दो वाली ठीक है यस सर देख लेते चलो देखो पहले ही यहाँ पे क्या दिया हुआ आप देख लेना पहले पहले साइन आप ये है ना तो ये थीटा है ना थीटा यानी एंगल है साइन के साथ क्या आएगा हमेशा एंगल आएगा ना यस सर आएगा कि नहीं आएगा और वो एंगल लेस हो जाना चाहिए है ना एंगल हमेशा डायमेंशन लेस आना चाहिए एंगल डायमेंशन लेस है ना यस सर दैट मींस हमें पहले देखना है 2πt/t इसके डायमेंशन क्या है देखो 2π के डायमेंशन कुछ नहीं होंगे t ऊपर भी है t नीचे भी है ये टाइम टाइम तो ये डायमेंशन तो ये कट हो जाएगा यस सर पूरा कैंसिल हो जाएगा हाँ तो पहला तो ये एंगल ठीक निकला यहाँ पे अब जो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड है a क्या दिया हुआ है a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है और y भी क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट That means displacement is equal to displacement. तो पहले तो ठीक ही है ना? Yes, या sir. इसको समझ yes, sir. चलो अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं यहाँ पे एंगल क्या है velocity multiplied by time. नहीं, velocity multiplied by time. Velocity क्या होती है L1 LT minus 1. हाँ मल्टीप्लाई करो t. तो ये बन जाएगा t से t कट हो जाएगा t zero. तो यहाँ पे रहा ना डिस्टेंस यस सर तब भी करेक्ट है ये कैसे करेक्ट है साइन ऑफ डिस्टेंस एंगल कहाँ आना चाहिए कोई एंगल में तो कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए ये ना साइन ऑफ वी एल से बचाया टी जीरो हो गया हाँ एल तो बच गया ना टी जीरो रह गया इसकी डायमेंशन क्या है एंगल की डायमेंशन है तो एंगल की तो डायमेंशन कुछ होनी नहीं चाहिए यहाँ पे तो एंगल की डायमेंशन आ रही है तो ये गलत है अब आया समझ एंगल इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई ए आ गया टी वन एल माइनस वन क्यों क्योंकि ए तो डिस्प्लेसमेंट है ना यानी ए की डायमेंशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हाँ एल की डायमेंशन तो एंगल की डायमेंशन क्या आई टी वन एल माइनस वन जो गलत है एंगल का डायमेंशन लेस आना चाहिए यस सर गुड सर वाई का डायमेंशन क्या है वाई का डायमेंशन तो डिस्टेंस है ना ओके सर तो तीसरा भी गलत है ना अब देख फोर्थ वाला देख लेते हैं ठीक है फोर्थ वाला देख लेते हैं साइन ऑफ 2πt डिवाइड बाय टी वो तो है ही 2πt डिवाइड बाय टी ये तो डायमेंशन लेस है कॉस भी 2πt डिवाइड बाय टी ये भी तो डायमेंशन लेस है एंगल डायमेंशन लेस आ गया अब जो बाहर है वो है a डिवाइड बाय 2π 2π का कोई डायमेंशन है नहीं a का डायमेंशन डिस्टेंस है y का डिस्टेंस है तो फोर भी ट्रू है यानी फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू है समझ आया कैसे बोला मैंने ये ठीक है या नहीं है यस सर यस सर तो कौन है ऑप्शन सी है करेक्ट बोथ वन एंड फोर आर करेक्ट सबको आया समझ सर ऑप्शन वन वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए यस सर मैंने बोला ऑप्शन वन में क्या है देखो हमें देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं है ठीक है यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन करेक्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट कौन सी है डायमेंशन है अगर मुझे डायमेंशन देखना है तो मुझे क्या करना है मुझे करना है राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आनी चाहिए ठीक है मैंने क्या किया मैंने देखा राइट हैंड साइड ही वाई है तो डायमेंशन ऑफ वाई जो है वो एल वन है
अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है a into sin of 2 pi by t, a multiplied with sin of 2 pi t divided by t. तो जो ये आ गया ये पोर्शन तो एंगल है ना, एंगल तो होता है, ये तो एंगल है, ये एंगल है, दैट इज डायमेंशन लेस आना चाहिए, है ना? यस ओके यस सर. अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 2 पाई टी डिवाइड बाई टी, पाई की डायमेंशन कुछ नहीं है, टी ऊपर भी है टी नीचे भी है, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा डायमेंशन लेस. ओके तो जब एंगल डायमेंशन लेस है तो ये पूरा जो है ये डायमेंशन लेस ही होगा. अब सिर्फ डायमेंशन किसकी रहेंगी, ए की, ए तो दिया हुआ है वहां से डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन आएंगी एल वन, तो राइट हैंड साइड भी एल वन है, लेफ्ट हैंड साइड भी एल वन है. अब आया समझिए? यस सर. यस सर. अच्छे से. यस सर. अब देखो, अब देखो सर, थीटा की डायमेंशन हमेशा वन होती है, थीटा की डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. ओके सर. गुड. अब देखो, अब क्या है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबको पता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? यस सर. यस सर. क्या क्या होती है, जरा बता क्या होती है. हिमांशी आप बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोस नंबर व्हिच हैव मीनिंग. हां, यानी वो नंबर्स एक वैल्यू में जिन पे हमें कॉन्फिडेंट हो, मीनिंग हो कोई, इन पे हमें कॉन्फिडेंट, ठीक है ना? राइट. यस सर. गुड. तो हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास रूल है. क्या क्या रूल है देखो, पहला जो है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर मैं ऐसे लिखूंगा 43.5, इसमें कितने नॉन जीरो नंबर है, तीनों है नॉन जीरो नंबर, इनके बीच में जीरो है तो ये जीरो भी आएगा सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? सर थ्री. गुड. अब तीसरा रूल क्या बोल रहा है, तीसरा रूल बोल रहा है zeros placed to the left of the number are never significant. यानी अगर मैं ऐसे लिखूंगा 03003.5, ये किसके है, नंबर की लेफ्ट साइड में है ना, तो ये इनसिग्निफिकेंट है हमेशा, ठीक है? तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे फिर? गुड. अब और द zeros placed on the right of the number are significant, यानी अगर मैं ऐसे लिखूंगा 300.0, ठीक है, बता कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सर वन. ये राइट साइड है ना? वन. नहीं, यहाँ पे तो, यहाँ पे तो पॉइंट आ रहा है ना, डिसिमल में ही आता तो वन. सर थ्री. फोर. थ्री. थ्री है, थ्री है, ठीक है. अगर मैं ऐसे लिखता 300, बस इतना ही लिखता, तो ये तो ट्रेलिंग जीरो थी ना, तो ये सिग्निफाई नहीं थे, सिर्फ वन सिग्निफाई. इस तरह अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो नंबर लिखा है उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफाई फिगर्स होंगे, है ना? तो बताओ इसमें, जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी. हमें इसके बाद एरर्स पढ़ने हैं, वो इम्पोर्टेंट है. तो पहले में 5 है, शाबाश. दूसरे में 1 है, शाबाश. तीसरे में कितने हैं? तीसरे में 4 है, शाबाश. 4 है सर. फोर्थ में? हाँ. फोर्थ में कितने हैं? 5. ठीक. 1 2 3 4. और सर लास्ट वाले में 2. लास्ट वाले में 2 है, ठीक है ना? यस सर. सब पाया समझ? सब पाया समझ? यस सर. यस सर. चलो
अब तुम्हें पता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द कैलकुलेशन, यानी अगर मुझे दो नंबर्स का ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, दो फिक्स क्वांटिटीज है ए प्लस बी करूंगा मैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होनी चाहिए, लीस्ट है ना, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स, यानी जितने नंबर ऑफ डेसिमल्स ए में है और जितने नंबर डेसिमल्स बी में है, इन दोनों में जो लीस्ट वाले होंगे उस उतने ही आने चाहिए रिजल्ट में भी, है ना। यस यस सर। इस तरह अगर मैं a माइनस बी करूंगा सर, वॉइस रुक गई सर, वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस आपकी रुक चुकी है बिल्कुल, है ना। तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? यस सर। यस सर। अब आ रही है? यस सर। यस सर। गुड। देखो अब अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, यानी अगर मैं ऐसे लिखूंगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, लीस्ट है ना, है ना, दोनों में ए और बी में जो लीस्ट लीस्ट सीनियर फिगर्स वही आएंगे रिजल्ट में। इस तरह अगर मैं ए डिवाइड बाय बी करूंगा तो दोनों में जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ फिगर्स होंगे उतने रिजल्ट में आएंगे, है ना। यस 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 सर। गुड। जरा फिर ये क्वेश्चन करके दो, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हम सीधे एरर्स पे आ जाते हैं, है ना। सर उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में फर्क होना, सर मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग मेजरमेंट, ड्यूरिंग मेजरमेंट जब हम मेजर्ड वैल्यू मतलब हम जब नापते हैं और उससे हमारी वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है ट्रू वैल्यू से, तब हम एरर कहते हैं। तो अगर हम कोई बॉडी को किसी फिजिकल को मेजर कर लेते हैं, उस मेजरमेंट के दौरान कोई एरर आ जाता है या कोई अनसर्टेनिटी कोई गलती होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस आती है, उसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर। अब एरर में क्या है, एरर में बहुत सारे टाइप्स हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, यानी अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसका जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है वो मान लेता हूं वो ए एम है, ठीक है, और जब मैंने इसको मेजर किया मुझे आया इसका वैल्यू ए, तो जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो लिखते हैं हम ए डेल्टा ए से, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ए एम माइनस ए, ये क्या है, ये है मेजर वैल्यू, ठीक है। ओके यस सर। अब क्या, अब क्या yes, है sir. ये जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए है ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मुझे क्या काम दिया गया है, अगर मुझे ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो मैं कैसे ट्रू वैल्यू निकालूंगा, मैं ए एम कैसे निकालता हूँ, ये मैं निकालता हूँ मीन, मीन निकालता हूँ इसी फिजिकल, मैं क्या करता हूँ काम, मैं इसी फिजिकल क्वांटिटी को बहुत सारे मेजरमेंट्स करता हूँ, 5-10 बार मेजरमेंट करता हूँ, तो 5-10 बार मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो सो ऑन ए एन डिवाइड बाई एन, का मेन निकालता हूँ जो मीन आएगा वो आता है बराबर ट्रू वैल्यू, वो आता है बराबर। ओके सर। ओके ओके सर। ओके अब देखो, अब दूसरा टाइप जो है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर में निकला है ना, ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, इनका हमें मैग्नीट्यूड बनाना है, दैट मींस डेल्टा ए बार ये हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है बराबर डेल्टा ए वन इसका मॉड प्लस डेल्टा ए टू इसका मॉड प्लस डेल्टा ए थ्री इसका मॉड प्लस सो सो ऑन डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन,
मतलब जो हमें एब्सोल्यूट एरर आया, अगर कोई एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आया उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, फिर यहाँ पे मीन निकालना है। ओके, तो ये जो डेल्टा मीन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके गुड, समझ में आया। अब जो तीसरा टाइप, तीसरा टाइप है रिलेटिव एरर। तीसरा टाइप है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, ये होता है यही डेल्टा ए बार, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ऊपर मीन एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइड बाय करना है ए एम मीन वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। परसेंटेज किसके बराबर होता है, परसेंटेज एरर, ये होता है रिलेटिव एरर, यानी यही ए डेल्टा डिवाइड बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ठीक है, ओके सर। ओके, आप जरा ये क्वेश्चन करो, शाबाश। शाबाश, जरा ये क्वेश्चन करो, शाबाश शाबाश। सर क्वेश्चन कौन है? सर रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर एक ही होते हैं? ना, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या बोलते हैं मीन वैल्यू या बोलते हैं ट्रू वैल्यू। पूर्वा का आंसर आ गया, ठीक है। जरा देखते हैं क्या आया, पहले में दिया हुआ है पेंडुलम के कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच वैल्यूज देते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले ए एम निकालते हैं, ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, इन सबका ऐड करके, ये आंसर कितना आया शबाश, ये किसके बराबर है आंसर? हेलो, 2.62 एम आ गया 2.62। जरा डेल्टा ए वन निकालो, डेल्टा ए वन किसके बराबर आएगा, ए एम माइनस ए वन, 0.01। डेल्टा ए टू निकालो फिर, यह आएगा ए एम माइनस ए टू, कितना आएगा, 0.06। डेल्टा ए थ्री निकालो फिर, 0.2। डेल्टा ए फोर निकालो, 0.9। डेल्टा ए फाइव किसके बराबर आएगा, -0.18। अब जब हमें निकालना है, अब क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है ना, एब्सोल्यूट मीन निकालना है, डेल्टा ए बार निकालना है ना, तो हमें इन सब का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो आएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस करना है 0.09, ऐड नहीं करना है प्लस करना है, प्लस 0.18, क्योंकि निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डिवाइड पे क्या करना है अब 2.62। जरा बता कितना आएगा ये, 0.67, 0.70,
जरा कितना आएगा, क्या जीरो जीरो पॉइंट टू समथिंग आ रहा है। आएगा कि नहीं आएगा? सर 2.06 आ रहा है। गलती हो गई कहीं पे? सर मे बी 5 से डिवाइड करना हो टोटल को। सर नीचे तो 226.2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? 5 से नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे ना क्योंकि मीन है। तो पहला ठीक है, पूरा कहां से ठीक आएगा? ठीक है, ओके सर। 0.10 आ रहा है, वही 0.10 आएगा बेटा, 0.10 नहीं आएगा। 54 राउंड ऑफ कर देंगे सर हम एक्चुअल वैल्यू को। हां तो ये आएगा 54 डिवाइडेड बाय 50, ये आएगा अंडर रूट ऑफ, ये आएगा सीधे 1 आएगा ना, 0 पर सॉरी 0.5 है, 0.54 है डिवाइडेड बाय 5। हां ये आएगा, हां 0 पॉइंट आएगा 108 अगर हम किसी स्टेप में एरर करेंगे तो हम आगे आगे कैसे बढ़ा पाएंगे वो एरर, वो एरर कैसे आगे आगे बढ़ेगा? जैसे मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक फेज का क्वांटिटी एक्स है वो डिपेंड कर रही है ए प्लस बी पे, दो फेजर क्वांटिटीज पे, ए में भी एरर है डेल्टा ए, बी में भी एरर है डेल्टा बी, तो जो डेल्टा एक्स होगा यानी एक्स में जो एरर आएगा वो आएगा भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ है ना, इस तरह अगर एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी जैसे हमने पढ़ा है ना, तो डेल्टा एक्स से एरर आएगा फिर डेल्टा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ हमेशा एरर एड ही होंगे, ये सब क्वेश्चन में आया? इसी तरह अगर x बराबर है a मल्टीप्लाइड बी तो हमने क्या बोला, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा x बाय x, ये किसके बराबर होता है डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b बाय b, या हम बोलते हैं परसेंटेज एरर इन x वो होता है परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, है ना, यही बोलते हैं ना हम? यस सर। इस तरह अगर x होगा बराबर a by b हम क्या बोलते हैं डेल्टा x by x, यानी रिलेटिव एरर इन x वो होता है डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। हाँ ये सिमिलरली होता है, इस तरह होता है परसेंटेज इन x यानी परसेंटेज एरर इन x वो होता है बराबर परसेंटेज एरर इन a प्लस b, है ना, है कि नहीं? यस सर। इस तरह हमने बोला कि अगर पावर में होगा x इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाइड बाय b पावर n, क्या होता है डेल्टा x बाय x से और आएगा m मल्टीप्लाई डेल्टा a बाय a, हां शाबाश, प्लस n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई डेल्टा b बाय b। गुड, तो इससे अगर परसेंटेज एरर होगा इन ए इन एक्स किसके बराबर आएगा, परसेंटेज एरर इन ए प्लस एन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन बी। इस तरह अगर यहाँ पे होगा एक्स डिवाइड बाय एम ए रेज पावर एम बी रेज पावर एन, उसका भी सेम ही आएगा रिजल्ट, है ना? यस सर। ठीक है, या सबको समझे? ओके सर, ये चारों समझ में आए? यस सर। चलो जरा करो ये क्वेश्चन।
3 मिनट सर। यह एयर इज पर क्यू, मैं लिखूंगा यहाँ पे, यह है E is equal to A raised power 3, B raised power 2 divided by C D. Shabash. Sir, question नहीं दिख रहा है। हाँ, चलो। सर 14% कितना? 14% 14% सर। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो रिलेटिव एरर इन पी किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3 times रिलेटिव एरर इन ए, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका 3 multiplied है। यस सर। प्लस 2 times रिलेटिव एरर इन बी, प्लस रिलेटिव एरर इन सी, क्योंकि उस पे पावर है ही नहीं कुछ, तो 1 time ही आएगा। हाँ, प्लस रिलेटिव एरर इन डी, उस पे पावर कुछ नहीं है, है ना। सिमिलरली अगर परसेंटेज एरर देखना होगा, वो भी आएगा परसेंटेज डी पे, है ना। यस सर। इनका परसेंटेज ने 3 multiplied पे क्या परसेंटेज है, ए में तो 1% है, 1, तो 1% आएगा। प्लस 2 multiplied बी में कितना परसेंटेज है, 2%, 2, 3 में 3% है, इसमें 4% है, 4% आएगा। 3% प्लस 4% प्लस 3% 3 प्लस 4 वो आ गया 14% 14% आ गया। ये है इसका आंसर। गुड, जरा ये क्वेश्चन करके देखो। शाबाश। सर ऑप्शन बी, सर ऑप्शन डी, डी सॉरी सर। चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे आंसर आता है। देखो लिखा है ए इज इक्वल टू 1 meter प्लस माइनस 0.2 meter, इस तरह बी इज इक्वल टू 2 meter प्लस माइनस 0.2 meter। हमें क्या करना है, हमें लिखना है रिजल्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, है ना। दैट मीन्स ए का भी रेज पावर 1/2 है, बी का भी रेज पावर 1/2, तो दैट मीन्स जो रिजल्ट का है रिलेटिव एरर, दैट मीन्स रिलेटिव एरर इन डेल्टा आर बाय आर, वो कितना आएगा बराबर, वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा ए बाई ए, प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। जरा बता 1/2 कितना है रिलेटिव एरर इन ए, इसमें तो 0.2 एरर है और 1 इसका वैल्यू है, तो 0.2 डिवाइड बाय 1, है ना, प्लस 1/2, 0.2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये आ गया बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 0.1 आएगा, ये आएगा 0.1 प्लस 0.05, ये आ गया 0.15, क्या आ गया डेल्टा आर, मगर डेल्टा आर बाय आर, ठीक है, आया कि नहीं आएगा डेल्टा आर बाय आर। अब देखो आर किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आर आएगा ना ए बी अंडर रूट, तो यह आएगा बराबर ए, ए क्या लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाय, बी क्या है 2 प्लस 0.02, वो भी आएगा 2 अंडर रूट, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर, ये आएगा 1.41,
आएगा कि नहीं आएगा? वन पॉइंट। आप बताओ डेल्टा आर बाई आर किसके बराबर है? 0.15। अब डेल्टा आर किसके बराबर आएगा? 0.15 बताइए किसके बराबर है? किसके बराबर आया? शाबाश, मल्टीप्लाई करो इसको। 1.41 रूट टू की वैल्यू है। किसके बराबर आया ये? सर ये अप्रोक्स 0.2 जा रहा है। यस सर, 0.2। तो ये आ गया 0.21, आया ना? अब देखो, अब अगर रिजल्ट हमें लिखना है, अब अगर हमें रिजल्ट लिखना है क्या आएगा? 1.41 प्लस माइनस 0.21। 0.2 अप्रोक्स कर देंगे सर, 0.2 ले ले। हाँ डी आ जाएगा। और 1.41 को 1.4 हाँ 1.4 ले लेंगे अप्रोक्स करके। हाँ प्लस माइनस 0.2। अब आया ही समझ? यस सर। यस सर। यस सर। सबको आया समझे कैसे निकला? यस यस सर। जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर शाबाश जल्दी। इसके बाद मेजरिंग डिवाइसेस है, वो आपने परसों ही पढ़ा था ना, जब गौतम सर ने पढ़ाया था, है ना? यस सर, पढ़ा तो था। हाँ तो उसको आप वही जो सर ने पढ़ाया था उन्हीं का आपको रिवाइज करना है, ठीक है? ओके यस सर। यस सर। तो कल क्लास एग्जाम देना आप लोग, ठीक है? और अच्छे से देना, टेंशन के बगैर, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को कम भी मार्क्स आएंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में सारे बैठना, क्योंकि इसी एग्जाम से आपको पता चलेगा। हाँ वैसे सर पैरेलेक्स मेथड है हमारे सिलेबस में। कौन सा मेथड? पैरेलेक्स। ना ना, आपको जो मैंने पढ़ाया इतना ही। ओके सर। इसका आंसर एग्जाम कितने बजे होगा? वो आपको शायद 11 बजे होगा सुबह, आपको मैसेज किया जाएगा सुबह ही ग्रुप में, ठीक है? ओके क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू बी रेज पावर अल्फा, सी रेज पावर बीटा, डिवाइडेड बाय डी रेज पावर गामा, ई रेज पावर डेल्टा। डेल्टा अब सबने दिया। हाँ देखो बी में कितना एरर है, बी 1%, सी में कितना है, सी 1%। तो अगर हम देखेंगे परसेंटेज एरर इन ए किसके बराबर आएगा? अल्फा इंटू बी 1%, बी 1% प्लस बीटा इंटू सी 1% प्लस गामा इंटू डी 1% प्लस डेल्टा इंटू ई 1%। यही आंसर है, ठीक है? ओके ओके सर। हमने क्या क्या पढ़ा आज, ये चीजें इनको अच्छे से देख लेना, ये क्लास में आ जाएंगे, एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है सर? ओके ओके सर। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। आप असाइनमेंट भेजोगे आज का? नहीं आज का आपको एग्जाम है, जो आपको कल एग्जाम है वही है। आज आप पूरा एग्जाम पे फोर्स करोगे, जो भी मॉड्यूल पे दिए हुए हैं या जो भी क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पे, वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है? और जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ऑल द बेस्ट। हाँ आप लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। बेटा 50 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं एग्जाम, या 40 क्वेश्चन आ जाते हैं।